लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। 19 मार्च यानी सोमवार को योगी सरकार के एक साल पूरे हो रहे हैं। मैथ्स से ग्रेजुएट योगी आदित्यनाथ ने भले ही अपना मेन स्ट्रीम बदल लिया हो, पर पॉलिटिक्स के जोड़ घटाव में भी वो बेमिसाल है। इस मौके पर हम आपको कोई योगी से जुड़ी कुछ खास बातें बता रहे हैं। बता दें कि योगी महंत हैं। उनके पास न खुद की जमीन है और न कोई घर। इसके बावजूद उन्हें कार रखने का बेहद शौक है। जानकारी के मुताबिक 2004 में उनके पास एक क्वालिस, एक टाटा सफारी और एक मारुति एस्टीम थी। 2009 में उन्होंने अपनी कारें बदली। एस्टीम और क्वालिस को हटाकर गैरेज में एक नई सफारी और एक फोर्ड आइकॉन को शामिल किया। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में अपनी उम्मीदवार में योगी ने 72 लाख की प्रॉपर्टी शो की। एफिडेविट में 3 लाख की टाटा सफारी, 21 लाख की टोयोटा फॉर्च्यूनर और 12 लाख की इनोवा शामिल थी। गौरतलब है कि 1998 में उन्होंने पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। इसके बावजूद वे आज तक करोड़पतियों की कैटेगरी में नहीं आए हैं। कारों के अलावा योगी को हथियार रखने का भी शौक है। 2004 में उनके पास महज 30,000 रुपए के हथियार थे। 2009 में उन्होंने पुराने हटाकर 1,80,000 की नई रिवॉल्वर और राइफल खरीदी। 2004 में उनके पास कुल 9,60,000 की प्रॉपर्टी थी। तब उनके पास 10,000 रुपए की रिवॉल्वर और 20,000 रुपए की राइफल थी। 2009 लोकसभा इलेक्शन तक योगी पर एक मर्डर और एक अटेम्प्ट टू मर्डर के केस दर्ज हुए। अब तक उनके पास 21,82,000 की प्रॉपर्टी थी, जो 2014 में बढ़कर 71,97,000 हो गई। योगी के पास अष्ट धातु का कुंडल है। इसके अलावा उन्हें सोने की चेन पहनना पसंद है। 2009 से ये दोनों आभूषण उनके पास हैं।